मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर हमला बोला। उन्होंने राजे को गहलोत सरकार के 4 साल और उनके कार्यकाल में 5 साल में हुए विकास कार्यों पर बहस करने की चुनौती दे डाली। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, हम जनता की आशाओं के अनुसार काम करते हैं और कांग्रेस सिर्फ उनके फीते काटने का काम करती है। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए संयम लोढ़ा ने लिखा कि आपने सिर्फ जाति क्षेत्र पर आधारित पोशाकें पहन करके राजस्थान की भोली जनता को भ्रमित करने का काम किया। आपका व्यक्तिगत वास्तविकता से परे है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आपकी साल 2013 से साल 2018 की सरकार मौजूदा गहलोत सरकार के 18 से 23 के कामकाज पर बहस की खुली चुनौती देता हूं। आप समय और स्थान तय करके बताना। कभी कभी लोग मजाक करते हैं, वो मेरे से ये कहते हैं कि ये वसुंधरा राजे हमेशा ये कहती है कि भगवान के भरोसे, कहते हैं भगवान के भरोसे। मैं तो कहती हूँ हाँ, भगवान के भरोसे हूँ। जो भी अभी तक काम हुआ है वो सब भगवान के भरोसे है और भगवान ने छप्पर खोल के दिया है। आज राजस्थान के लोगों की जो प्यार है वो ही हमारी पूंजी है। इस पूंजी के लिए चाहे हमको कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे खून क्यों ना देना पड़े, यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस प्यार के लिए हम लोग मरते हैं। ये रोज सबको नहीं मिलता। जब गांव में जाती हूँ और कहीं बड़ा बुजुर्ग सबके ऊपर हाथ रख देता है या गाल से हाथ फेर करके प्यार करता है तो इससे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी है कि हम मेहनत करते